जो इस प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे सारे मदनी चैनल के फिल्माये हुए नहीं है और इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की हिफाजत आगा और मालूम के लिए है न के किसी माली फायदे के लिए الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله मदनी चैनल के नाजरिन सिलसिला ना ख़बरें लिए हाजिर हैं हमारा ये सिलसिला की खबरों के साथ साथ सबक़ आमोस मदनी फूलों पर भी मुश्तमिल हुआ करता है हम जो रोज़मर्रा के वाकियात देखते या सुनते हैं इसमें इबरत भी है सबक भी है लेने वाली सोच लेने वाली कैफियत होनी चाहिए मिसाल के तौर पर दो भाई थे इनमें से एक इबादत गुजार था और दूसरा गुनहगार। आबिद की आर्जू थी कि वो शैतान को अपनी मेहराब में देखे एक रोज उसके पास इंसानी शक्ल में इबली से आया और कहने लगा अफसोस है तुझ पर तूने अपनी उम्र के चालीस साल नफ्स को और बदन को मशक्क़त में डालकर ज़ाया कर दिया। तो तुम्हारी जितनी उम्र गुजर चुकी है इतनी भी इतनी अभी बाकी है अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करके लज्जत हासिल कर ले इसके बाद दोबारा तोबा कर लेना वापस इबादत की तरफ लौटाना बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है यह सुनकर आबिद ने अपने दिल में कहा मैं नीचे जाकर अपने भाई के पास बीस साल लज्जात हासिल करूँगा और ख़्वाहिशत पूरी करूँगा फिर तोबा कर लूँगा और अपनी उम्र का बकिया बीस साल इबादत में सर्फ कर दूँगा अब ये नीचे उतरने लगा अब दूसरी तरफ का वाक़ यह है कि गुनागार भाई ने अपनी नफ़ से कहा तूने अपनी उम्र को नाफ़रमानी में जाया कर दिया तेरा भाई जन्नत में जबकि तू जहनम में जाने की तदबीर कर रहा है अल्लाह की कसम मैं जरूर तौबा करूंगा और अपने भाई के साथ ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी बकरिया उम्र इबादत में गुजारूंगा शायद अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे बख्श दे उधर वो तोबा की नीयत लेकर ऊपर चढ़े और वो आबिद नाफरमानी की नीयत लेकर नीचे उतरने लगे अचानक इसका पाँव फिसला वो अपने भाई पर गिरा दोनों सीढ़ी पर इकट्ठे नीचे की तरफ गिरे और दोनों का इंतकाल हो गया अब किताबों में लिखा है मेरे मदर के नाजरीन के आबिद का हशर नाफरमानी की नीयत पर होगा और गुनागार तोबा की नीयत पर होगा मौत इसी तरह अचानक आ जाती है इसमें इबरत है सबक है समझने वालों के लिए सीखने वालों के लिए फा या उ तो इबरत हासिल करो ए नजर वालो नीयत पर उस वो जिस नीयत से चला उसका हशर उसकी नीयत के मुताबिक होगा ऐसे बेशुमार वाकियात दुनिया भर में होते रहते हैं हम घर से किस नीयत के साथ चलते हैं कोई घर से निकलता है मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए तो कोई घर से निकलता है किसी के घर में डकैती देने के लिए कोई घर से निकलता है किसी मज़लूम की मदद करने के लिए तो कोई घर से निकलता है किसी पर जुल्म करने के लिए मौत दोनों को आ सकती है दोनों सड़क पर जा रहे हैं अपनी अपनी नीयतें अपने अपने इरादे लेकर अचानक हादसा हो जाता है दोनों मर जाते हैं इंसान अपनी नीयतों पर उठाया जाएगा मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों सड़क पर चलते चलते कैसे मौत आती है इसका एक इबरतनाक मंज़र चाइना મે દેખને કો મિલા દેખને વાલો કો જો હમારે પાસ વિડિયો કી સુરત મેં મોજૂદ હે રોડો પર સીસીટીવી કેમેરા લગે રહેતે હે આજકલ તો ઉમુમન હાડસાત કી ફોટેજીસ મિલ જાતી હૈ ચોરી લકઈતી કી ફોટેજીસ મિલ જાતી હૈ પરેશાની કિસી વક્ત ભી આ સકતી હૈ આપ એટીએમ મશીન મેં પૈસે નિકાલને જાતે હે પીછે સે કોઈ આ જાતા હે પૈસે ભી લે જાતા હે જાન ભી લે જાતા હે મોત કિસી વક્ત ભી આ સકતી હૈ इसके फोटेज भी मिलते हैं वीडियोस मिल जाती हैं लेकिन जो बात मैंने अर्ज की उस पर गौर कीजिए नीयत आप एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए गए आपकी उस पैसे निकालते वक्त की नीयत क्या थी को मुबाह काम था जायज काम था गुनाह का काम था क्या था उस वक्त भी मौत आ सकती है जैसे लूटने वाले तो मौजूद होते हैं सड़क पर चलते चलते हादसा हो जाते हैं मौत आ जाती है जैसा मैंने अभी आपको बयान भी किया चाइना में होने वाले हादसे को आइए कुछ इबरत की नज़र से देखते हैं कि किस तरह हादसा कैसे हादसा हो जाता पता ही नहीं चलता सड़क पर चलता हुआ आदमी उड़ जाता है आइए देखते हैं चीन में रोड हादसा आठ अफराद हलाक है क्या लगा आपको इतना बड़ा ट्रक बेकाबू हो गया अब ये सड़क पर चलते आदमी की कभी तस्वुर में होगा ये बजायर जो ये रोड पार भी नहीं कर रहे थे जरा साइलेंटली चलाएगा वीडियो बगैर आवाज के देखिए आप ट्रक किस तरह धरल्ले के साथ आ रहा है ट्रक बेकाबू हो जाता है ये गौर से देखिए थोड़ा सिलो चलाइए रोकिए लेकिन आप थोड़ा सा पीछे लीजिए थोड़ा सा पीछे लीजिए मैं आपको एक बड़ी मैंने गौर नहीं किया था अभी ऐसा नज़र आ रहा है और पीछे लें 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 थोड़ा आगे लें जेबरा क्रॉसिंग पर रोकिए, रोकिए, आगे लें आगे लें आगे लें हाँ ले, और आगे लें एक बस रोकिए गौर से देखिए मेरे मध्य चले के नाजरीन ट्रक के आगे जो गाड़ी है करीब था कि ट्रक उसको उड़ा देती अब सिलो सिलो आगे लें हाय आप गौर से अब ये कितने इंचिस या सेंटीमीटर के फासले से बची है आगे लें और वह गाड़ी निकल गई दूसरी गाड़ी पीछे थी इसके ये बस आ ले आगे लें जी और बढ़ाइए अब आप देखिए ये मतलब के इतना बेबाकी बिल्कुल वो बेलगाम ट्रक गाड़ियां बज गई ये रोड ये सड़क के कोने पर कहीं खड़े हुए हैं सर्विस रोड की तरफ रोड पर भी नहीं है और ये ट्रक इंगा कर चला गया क्या आया? फिर देखें यार फिर देखें इसको, कि कहां मौत लिखी है कहां हादसा लिखा है देखे ये गाड़ियां देखिए आप कितना वो क्रॉस आगे भी एक और गाड़ी थी और वो बच गई उसे साइड ले ली और ये कोने पर सर्विस रोड पर खड़े वो पर सीधा ये माल से भरा हुआ ट्रक गया और इनकी मौत लिखी थी अब पता नहीं कौन दुनिया से गया कौन जख्मी हुआ लेकिन ये हादसा सीसीटीवी सी फुटेज ने महफूज कर लिया और हमारे पास गोया कि एक इबरत के किबरत के तौर पर आ गया ऐसे वीडियोस हमें भेजते हैं इस्लामी भाई आप भी हमें ऐसी वीडियोस जो भी आपके पास हैं भेज सकते हैं बात है सबक लेने की इबरत लेने की मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ये गाड़ियाँ और ये बचा हुआ मंजर पर इतनी तवज्जो नहीं की अभी ये बड़ी स्क्रीन पर देखा तो देखा कि यार बस अल्लाह की शान है कि कहाँ किस किस पर मौत आ जाती है है इबरत अब जो सड़क पर चला गाड़ी में जा रहा है रोड पर खड़ा हुआ है किस नीयत से खड़ा है किस इरादे से खड़ा है नीयतों को दुरुस्त कीजिए ना खबरें देखने वाले आशिका ने रसूल अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए जब भी घर से चलें अच्छी नीयतों के साथ चलें देखे ना सड़क पर खड़े करे आप कुछ नहीं कर रहे आप बस स्टॉप के जो हमारे वो जो स्टैंड बने हुए हैं आप उस पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं सीट पर तो बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कोई बेबाग ब्रेक फेल हो गया वेगन आ गए ट्रक आ गई और वो पूरी केबिन अगर वो उड़ा कर चली जाती है तो आप क्या समझते हैं ये किसी मतलब बैठे बैठा की एक मौत थी लेकिन अब आप बैठे किस नीयत से थे किस नीयत से बैठे थे ज़रा सोचिए अच्छी नीयत थी क्योंकि इंसान अपनी नीयतों पर उठाया जाएगा जैसा मैंने एक बयान किया अल्लाह तबारक तआला हमें अच्छी नीयतों पर अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए और हमें इसी तरह मिसर में भी हादसा हुआ इसके कुछ वो फिक्स इमेज़ स्टिल इमेज़ हैं फ़ोटो हैं आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं ये मिसर का वाक़ है मिस्र में बस हादसा नो हलाक जहाँ में है उबरत के हर सु नमूने ने मगर तुझको अंधा किया रंगू बूने कभी गौर से भी ये देखा है तूने जो आबाद थे वो मकान अब हैं सुने जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये उबरत की जा है तमाशा नहीं है दीवार के सहाय में बैठे हैं दीवार गिर गई लोग इंतकाल कर गए ज़ख्मी हो गए जी हाँ ये वाकया पेश आया सचल गोट और एक वाकया पेश आया है हिंद भोपाल में दीवार गिरने से दो अफराद हलाक हुए और एक जगह दीवार गिरने से तेरह औरतें जख्मी हो गईं ये इस तरह हाथ होते हैं आइए देखते हैं कराची सच्चल गोट में दीवार गिरने से तेरा औरतें जख्मी दिल पे गम छा गया यार रसोले खुदा क्या बनेगा मेरा यार रसोले खुदा दिल पे गम छा गया खुद मेरे इस्लाम भाई और मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त हम बाबुल मदीना कराची के इलाके सच्चल गोट हैं सचल गोट में खाली प्लाट था जो जो कि आप देख रहे हैं कि खाली प्लाट किस तरह गिरा कैसे गिरा यहाँ के कुछ लोग हैं वो बताएंगे हमें कैसे गिरा ये हमारे भाई का इंतकाल हुआ था कल तो उनका बैठे हुए हम सोग मना रहे थे कुरान खानी हो रही थी लेडीज़ बैठी हुई थी और जेंट्स अलग थे तो इधर लेडीज बैठी हुई थी हमने टेंट बांधा हुआ था उस दीवार के साथ तो वो दीवार हवा पे ऐसे जाके हम बाहर लोगों के साथ बैठे हुए थे तो हमारे को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है इधर आके दीवार गिरी हुई थी बारह तेरह लेडीज़ भी इसमें ज़ख्मी हो गई है और एक लेडीज़ का बच्चा भी ज़ाया हो गया है और एक दो की कमर भी टूट गई है ऐसे चोटे हैं बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चों को भी चोटें आई हुई हैं लेडीज बैठी थी कुरान खानी कर रही थी कुरान के नहीं पढ़े हमें तो नहीं पता कि ये ग्रे की दीवार और इधर हम इधर बैठे थे पता चले आवाज़ आया शोर हुआ शोर हुआ तो हम इधर भागे देखे कि इधर जो औरतें बैठी हुई थी उनके ऊपर दीवार थी बारह तेरह औरतें थी और छोटे छोटे बच्चे थे उनके ऊपर दीवार गिरी हुई थी हमने ब्लैक ब्लैक साइड पर किए और उनको उठाया और मेमन में कुछ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया कुछ को डाव में और कुछ को सीएम एच मकेंट में तकरीबन महीना पहले शादी भी इधर बच्चे ही बैठे थे कोई दीवार का गिरने का पता नहीं था ये लिखा हुआ था लिखा था वो गिर गई हम क्या कर सकते हैं दिल पे गम छा गया यार रसोले खुदा क्या बनेगा मेरा यार रसोले खुदा इंडिया भोपाल में दीवार गिरने से दो अफराद हलाक छह जख्मी चीन में दीवार गिरने से 18 अफराद हलाक तीन जख्मी वो नौजवान कहता है कि हम क्या कर सकते हैं ये जुमला आपने सुना मेरे नौजवान इस्लामी भाई हम इबरत ले सकते हैं हम सबक ले सकते हैं हम ये ले सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि इस तरह अचानक मौत आने पर इंसान को पता नहीं को तोबा वगैरह करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता हम तोबा और इस्तफार के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं इन वाकिया से इबरत लेकर अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा सकते हैं अपने सर पर अमामे का ताज सजा सकते हैं अपने आप को मस्जिद का रास्ता दिखा सकते हैं हम दुरुस्त कुरान पढ़ना सीख सकते हैं दुरुस्त कुरान पढ़ना सिखा सकते हैं अपने आप को म दीन सीखने वाला बना सकते हैं ख़ुद को गीबत से बचा सकते हैं ख़ुद को झूठ से बचा सकते हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से ख़ुद को बचा सकते हैं ये हादसा ये दीवारों का गिरना ये बसों के हादसा ये सड़क पर होने वाले हादसा ये अचानक अमवात हमें इन नेकी और परहेजगारी वाले कामों पर उभार सकते हैं ये कहना कि हम क्या कर सकते हैं अगर कि किसी और मायनों का है लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ठीक है गिरती दीवार का पता नहीं था लेकिन ये दीवार कर मुझ पर गिर सकती है इसका अंदाज़ा तो लगा सकते हैं इसका पता तो लगा सकते हैं ये तस्वूर तो बांध सकते हैं आप घर के अंदर बैठे हुए हैं दीवार गिर सकती है बारिश होती है दीवार गिर सकती है छत गिर सकती है कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है जिस तरह हमें यह नहीं पता ना कि हम मरेंगे कब इस तरह हमें यह भी नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे हम नहीं जानते कि हमें मौत कैसे आएगी कार की स्टेरिंग पर बैठे हुए मौत आएगी या पीछे की सीट पर मौत आएगी सड़क चलते चलते मौत आएगी या बस में बैठे बैठे मौत आएगी नेकी करते करते मौत आएगी या अल्लाह की नाफ़रमानी में मुब्तला होंगे तब मौत आएगी हम नहीं जानते अल्लाह ताला हमें ईमान और आफ़ियत पर मीठे मदीने में शहादत की मौत अता फ़रमाए और हम सबको अल्लाह ताला गुनाहों से बचना नसीब फरमाए तोबा इस्तगफार की तोफ़ीक अता फ़रमाए जितने भी इन वाकियात और हादसात के अंदर मुसलमान दुनिया से रुख्स होते हैं अल्लाह ताला इन सब की मफ़रत फरमाए जो ज़ख़मी होते हैं अल्लाह ताला इनको रूबा से फैत करे इनके लवाकिन को इनके अजीज़ अकारीब को अल्लाह ताला तबर अता करे पैजर अता करे बाबुल मदीना में हमारी क्लोथ मार्किट कहलाती है कपड़े की मार्किट ये एम ए जना रोड के पास है कपड़े के गोदाम में आग लगी छः दुकानें जल गई ना जाने लाखों का या करोड़ों का माल इनका ज़ाया हो गया और ऐसा ही एक वाक़ मरकज़ ओलिया लाहौर में भी हुआ दो मकाम पर आग लगने के वाक़ हुआ उसमें एक शख़्स की हलाकत की भी इसमें हमें ख़बर मिली है इन जलती दुकानों में जलती माल में जलते माल में भी इबरत है ये नहीं है कि सिर्फ़ सैलाब आएगा तो ही माल बर्बाद होगा पानी भी आपके माल को बर्बाद कर सकता है हवा आपके माल को उड़ा के ले जा सकती है आग आपके माल को तबाह कर सकती है अजल ने ही अजन नहीं छोरा ना किसरा ना दारा इसी इसी से सिकंदर सफात बिहारा हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा पड़ा रह गया सब ही ठाट सारा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है बरत की जा है तमाशा नहीं है यह इबरत की खबरों का सिलसिला है आइए देखते हैं ये आतिश सदगी की जो कैफियात थी इसकी खबर को इबरत की नजर से देखें लाहौर गुलबर्ग में उरूसी मलबूसात की दुकान में आतिश सदगी करोड़ों का सामान जलकर कर खास कराची क्लॉथ मार्केट में आतिश ददगी गोदाम समेत छह दुकानें जल गई दिल पे गम छा गया गार रसोले खुदा क्या बनेगा मेरा यार रसोले खुदा जिन मुसलमानों का माल जाया हुआ हलाक हुआ अल्लाह ताला, उन सबको सबर भी अता सबर पे, सबर पे, सबर पे अजर भी अता फरमाए और इनको बेहतरीन न्यामल बदल अता फरमाए हम दुआ करते हैं अब मैं पर्टिकुलर कर इस वाके की तरफ नहीं बात कर रहा जर्नल बात कर रहा और हर एक को इसमें वैसे गौर करना चाहिए तरी और खुशकी में जो माल बर्बाद या जाया होता है इसका एक सबब यह बताया गया कि उसकी जक़ात पूरी अदा नहीं की जाती मेरे मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों बिलखसूस मेरे ताजर इस्लामी भाइयों माल की मोहब्बत ये ज़क़़त की अदायगी में बहुत बड़ी रुकावट है माल तजारत पर भी जकवात है किन किन पर जक़ुत है किन चीज़ों पर जकवात नहीं है इसका एक पूरा चैप्टर है पूरा एक बाब है पूरी एक इसकी नॉलेज होनी चाहिए इंसान को अब अब गौर कीजिए ख्वा वो इस्लामी बहनों के सोने जवारा वगैरह बर्बाद होने का लूटने का ज़ाया होने का के वक़ हों या अमलाक माल फैक्ट्री वगैरह जल जाने के डूब जाने के वाकियातों इसमें भी इबरत है मगर अपनी ज़ात में थोड़ा सा झांकने का मौका है एक तनकीदी जायजा अगर आप अपनी ज़ात का ले लेंगे तो मेरा ख्याल है फायदा है नुकसान नहीं है आपको कोई भी क्या आपने अपनी माल की जक़ात पूरी अदा की है इस्लामी बहनें अपने सोने पर गौर करें यानी इस्लामी बहनों का तो अजीब मामला है कि पापा फरमाते हैं कि कुछ काली रातों से यानी ऐसे वाकयात की जिसमें ज़रूरत पड़े काली रातों का जेन बना करके चलो कोई काले टाइम में काम आएगा कोई बुरे टाइम में सोना काम आएगा इसमें सोना संभाल के रखती हैं आखिरकार की काली रात आ पहुँचती है सोना वहीं के वहीं रह जाता है क्या आपने अपने सोने की ज़क़़त निकाली कि आपका वही जहन के ज़कु़त मेरे वाल साहब निकालेंगे या मेरे शोहर निकालेंगे मेरे भाई निकालेंगे आपका सोना है इसकी पूरी कैलकुलेशन करके आप कोई सामान अपना सोने की कोई चीज़ बेच कर की मालियत के हिसाब से आपने अपना सोना निकाला अगर कोई आपका अजीज़ या वालिद या शोहर वगैरह ज़क़़त अदा कर दे तो आपकी तरफ से नो डाउट जकवात अदा हो गई मगर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं क्या आपको पता था कि आपका सोने की ज़क़ात सही अदा हुई या नहीं हुई पता था आपको एक मतलब इबादत हो रही, एक इबादत है, एक फर्ज है, अदा हो रहा है उसमें आपकी दिलचस्पी कितनी थी खुशी कितनी हुई आपको इसी तरह जो माले तिजारत जो कारोबार करते हैं आपकी जक़ात पूरी अदा हो रही है नहीं हो रही मैं एक बार फिर अगरचे हमारे अमूमन ज़कात का जो वक्त है अमूमन जो हमारे यहाँ जो ज़क़त निकाली जाती है शाबान और वग़ैरह में निकाली जाती है लेकिन साल पूरा होने पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है हो सकता है किसी का साल जा में पूरा होता हो किसी का साल ज़ी कायदा में पूरा होता हो किसी का साल मुहर्रम में पूरा होता हो मैं तो नहीं जानता लिहाजा आप अपनी ज़क़़़़त अदा करने के मुतालिक एक बार फिर मालूमत कर लीजिए मेरे प्यारे मीठे इस्लाम कर लीजिए यह मशवरा मैं आपके भले के लिए दे रहा हूं ऐसा ना हो कि ज़कात सही अदा ना करने पर या आपके पास जो माल है ये किसी जुल्म से हथियाया गया और इसमें मजलूम की बद्दुआ शामिल हो या कोई और अल्लाह की नाफरमानी शामिल हो और कहीं ऐसा ना हो कि आप का आपको आपके माल से हाथ धोना पड़ जाए ऐसे वाक्य होते हैं एक शख्स पानी दूध में पानी मिलाता था इसकी बेटी इसको मना करती थी कि अब दूध में पानी मत मिलाओ दूध में पानी मत मिलाओ दूध में पानी मत मिलाओ हुआ ये कि एक दिन सैलाब आया और उसकी सारी भैंसे ले गया बेटी दाना थी वालिद को इब्रक के मदनी फूल देते हुए कहने लगी अब्बा जान क्या आप नहीं सोचते कि ये वही पानी है जो आपने दूध में मिलाया था आज सैलाब बनकर आया और आपकी सारी दूध वाली भैंसें बहा कर ले गया क्या मिला बंदे को आग आती है माल ले जाती है सैलाब आता है माल ले जाता है हर इंसान गौर करे कि मुझ पर जो तबाही परेशानी या मुसीबत आई है इसमें मेरा कसूर कितना है मेरा कसूर कितना है हर एक बात किसी और पर डालने के बजाय आपको फ़ायदा नहीं होगा शायद आपको फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप किसी आने वाली मुसीबत का सबब पहले अपनी ज़ात में ढूंढेंगे ये मैं बहुत कीमती और अहम तरीन मदनी फूल आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ मेरे मदनी चंद के नाजरे जब भी कोई मुसीबत आती है बीमारी परेशानी घर में कारोबार में जो आपको तकलीफ़ आ रही है ना सबसे पहले इस तकलीफ का सबब अपनी ज़ात में ढूंढिए मुझसे ऐसी कौन कौन सी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मैं इन मुसीबतों परेशानियों का शिकार हुआ हूं और वैसे कुरान मजीद में वाजे तौर पर रहेगा तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और बहुत कुछ तो अल्लाह माफ कर देता है तो मुसीबत जो पहुंची है उसमें मेरे हाथों की कमाई का कितना हिस्सा शामिल है आजमाइश और इम्तिहान भी होते हैं मगर गौर कर लीजिए और अपनी जकत दोबारा अर्ज़ करूंगा पूरी अदा कीजिए कोई नहीं जानता कि आपकी जक़ात कितनी है कोई भी नहीं जाना आपका रब जानता है मेरा रब जानता है हमारा रब जानता है कि आपकी जक़त कितनी थी और आपने कितनी दी आपने पचास करोड़ जक़ात अदा की है लोगों की आवाज़ें निकल गई होंगी कि अरे भाई बहुत बड़ा आदमी है यार इसका दिल है पचास करोड़ रुपया जक़त निकाल दी इस आदमी ने हालांकि हो सकता है कि इसके ऊपर तिरसठ करोड़ जकुआत बनती हो तेरा करोड़ रुपए खा गया लोग तो वाह कर रहे हैं अल्लाह जानता है कि आप तेरा तो आपकी वाह कर दी अल्लाह के हजूर क्या जवाब देंगे आप और फिर जब अल्लाह ना करे यही माल आपका चला गया देखिए ना इबरत होती है जकते देने वाले जकत लेने वाले बन जाते हैं बड़े बड़े करो फर के लोग लाइनें लगाकर इमदाद का इंतज़ार कर रहे होते हैं अल्लाह तबारक वाली बेहतर जानता है कौन इम्तिहान में है कौन आजमाइश में है किसके दर्जे बुलंद हो रहे हैं किसको से तो करतूतों की सजाएं मिल रही हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है हमें सबके लिए आफियत और ख़ैर का सवाल करना चाहिए अल्लाह से अल्लाह तमाम मुसलमानों को खैर और आफियत अता फरमाए और हम सब के दिनों ईमान जानो माल इज़्ज़त आबरू घर बार कारोबार इसके हलाल अहल नस्बतें सबके अल्लाह ताली हिफाजत फरमाए सब में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और हमें शर और फितनों से अल्लाह तबारक ताला महफूज फरमाए तो बात अगर आप कबूल कर लेते हैं समझ लेते हैं मान लेते हैं तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो आपका भला हो हो सकता है मेरा ज़ाती तौर पर जो फ़ायदा और जो भला है वो यकीन अल्लाह कबूल कर ले तो मुझे नेकी की दावत का सवाब मिलेगा वरना ये कि मैंने जो बात की है चाहे वो इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहनें अब जैसे ये सैलाब है हमारे आई डी पीज़ वाले जो हैं खैबर पख्तूनखवा के जो हमारे पठान इस्लामी भाई हैं बेचारे घर बार से दूर इमदाद का इंतज़ार सैलाब जदा जो आशिका ने रसूल हैं इमदाद का इंतज़ार लोगों ने अपना अपना माल दिया क्या इस्लामी बहनों ने अपना सोना निकाल के दिया है एक कान की बाली तक निकाल के दिए एक उंगली की अंगूठी निकाल कर दी है, है? एक लाकेट निकाल कर दिया है आए ना मैं सोना सोना? सोना दे सकती हूं? सोना। तो क्या जब कब में सोना पड़ेगा तो क्या यह सोना आपके साथ दफन होगा दे दो ना अल्लाह की है, अल्लाह ने इतना नवाजा है और कौन सा कम होता है अल्लाह की में खर्च करें तो माल बढ़ता है लेकिन आप गौर कीजिए आप देखिए ये इस्लामी बहने बगौर तवज्जो करें जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस्लामी बहने बगौर सोचें कि ये जब अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च करने की बारी आती है या कोई मदद का वक्त आता है उम्मत की गमखारी का वक्त आता है दुखियारी उम्मत की खैर खाई का वक्त आता है क्या आप का कभी कोई सोना निकला आपके लॉकर से आपने को उठा कर कोई सी चीज़ दी आपके घर के अफराद को या कहीं पहुँचाई कि ये मेरा सोना मिसाल करते तो दावत इस्लामी वाले माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ये सैलाबदा जो मुसीबत ज़दा लोग हैं दुखियारी उम्मत है इसकी कोशिश कर रहे हैं इनकी मदद करने की और इन तक सामान पहुंचा रहे हैं इनकी मदद कर रहे हैं इनको अनाज पहुंचा रहे हैं इनको रकम पहुंचा रहे हैं हमारे आई डी पीस के जो खैबर पख्तनख्वा है जो हमारे पठान इस्लामी भाई हैं पूरे ख़ानदान हैं औरतें हैं बच्चे हैं उजड़े हुए हैं ना घर है ना छत है ना बिजली है ना रोशनी है कोई खाना पहुंचाता है तो मिल जाता है इनके पास तो जगह भी नहीं है इनके पास तो कन्वेंस भी नहीं है कहीं जा सके ले सके क्या पता ना पाँव की जूती हो ना सर पर छत हो आवाज़ें लगती हैं कि इनकी मदद की जाए क्या इस्लामी बहनों को याद पड़ता है कि आपने कोई अपने सोने का लाकेट को सोने का सेट को सोने की चूड़ियाँ को सोने के कड़े को सोने की अंगूठी निकाल कर दी हो कि ये अल्लाह की राह में खर्च करती हूँ कभी याद पड़ता है आपको कि यार ये दावत इस्लामी वालों को दे आओ ये माशाल्लाह ये इन दुखियानों की मदद कर रहे हैं ये सोना अल्लाह की राह में खर्च हो जाए तो मेरे तो और अल्लाह कबूल फरमा ले असल तो अल्लाह कबूल फरमा लें खर्च तो हो जाए अल्लाह कबूल फरमा ले, मेरे तो वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात और इस्लामी बहनों को जो ये सोने चांदी से जो ऐसी मोहब्बत के इसको अल्लाह की राह में खर्च करने की भी जान नहीं चलती मैं तो तरगीब दिला रहा हूँ तरगीब दिला रहा हूँ मगर ऐसे वाक़ हैं बहुत कम हैं हमें आते हैं बाजा अकात सोने की चीज़ें सोने के सेट करे वो तो वो ना होने के बराबर इंतहाई कम लाखों करोड़ों इस्लामी बहने ऐसी होती हैं जिनके पास सोना ही सोना यानी गरीब होती है मगर सोना होता है गरीब होती है मगर सोना होता है इनके पास तकरीबन सोना होता है गौर कर लीजिए जो मैंने अर्ज़ किया है और अल्लाह की राह में माल खर्च कीजिए और अल्लाह तोफ़ी दे तो अपना सोना दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ और जहां आपको कहा गया है अपने किसी महरम के ज़रिए पहुंचा दीजिए मगर किसी ऐसे वैसे के हाथ में मत दे दीजिएगा ना इमदादी रकम किसी आम आदमी के हाथ में देनी होती है ना इस तरह को, को सोना वगैरह देना होता है दाऊद इस्तामी के मदरी मराक में मदीना की तरफ आपकी रहनुमाई की गई है या मैसेज करके पूछ लीजिए कि मुझे ये सोना देना है मेल करके पूछ लीजिए मुझे सोना देना है कॉल करके पूछ लीजिए कि मुझे ये सोना देना है या मुझे रकम देनी है मैं कहाँ दे दे सकता हूँ इन आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी मगर दीजिए तो सही कब देंगे अब तो बेचारों के घर बनाने की बारी आई है क्या ये ये इबरत वाले मनाजिर और ये सब मतलब ये मनाजिर क्या आपको नहीं मतलब वो भारत है पैसे वालों को क्या अभी वो नहीं लगता कि यार थोड़ा तिजोरी का मुंह खोलो यार अगर मेरा मेरा रुपया आज इनके काम नहीं तो आएगा तो कब काम आएगा इसलिए बेहन तो हमारा सोना अगर इनके काम नहीं है तो कब काम आएगा यानी सोना अल्लाह की राह में खर्च हो जाए कबर जन्नत का बाग बन जाए और क्या चाहिए अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात मेरी ख़ास अमीर सुन्नत इस मौजू की तरफ तोज्जो दिलाई थी कि ये कब देंगे इससे पहले भी मैंने कुछ इस तरह के मदनी फूल अर्ज़ किए है, किए हैं लेकिन अमीर सुन्नत अल्लाह इनको सलामत रखे तोज्जो दिलाई के इस पर भी बोलना चाहिए और मुझे अभी बैठे बैठा ये कुछ जकात की बात चली थी तो अमीर सुन्नत के मदनी फूल याद आ गए अमल का जज्बा दे एक और इबरतनाक वाकयाबरतनाक वाकया भी है ज़िहालत पर मबनी वाकया भी है ये पंजाब का कोई गांव है यहां पर किसी जाली आमिल ने कारनामा दिखाया बद बदब्ती है बस क्या अर्ज करो और जहालत देखिए कि लोग जमा होकर देखने लगे कि एक शख्स के गले पर छुरी फेर कर उसे जबह कर दिया और लोग देखने के लिए जमा हुए थे और वाक्य जो मुझे बयान किया गया इस्लामी भाई ने बयान किया वो ये था कि जाली आमिल ये मतलब तो इस बात का दावा करता था कि ये मैं इसको ज़बह करूंगा और फिर ज़िंदा हो जाएगा और जिसने अपने गले पर छुरी फिराई उसका भी ये गुमान था कि ये पहुंचा हुआ है ये कर देगा ये छुरी फिरवा दी और वो तो ज़बह होकर कत्ल हो गया इंतकाल कर गया वो जाली आमिल कहते वो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को कब्ज़े में ले लिया और कहते हैं जाली आमिल ये मुलजम शादीशुदा तीन बच्चों का बाप है अब ये इतने लोग जो जमा हुए ये भी तमाशा दे कर रहे थे आपको मसला क्या जामिल जाली आमिल के चुगल में आप फंसते कैसे नवाज एक वक्त की वो पढ़ते नहीं है शरीयत मुतारा पर उनका अमल होता नहीं है जो जाली आमिल है अच्छे भी हैं, हैं। अमलियात का एक वजूद है तावीज़ात और रूहानी इलाज का वजूद है लेकिन इस तरह के जाली आमिलों की हरकतों की वजह से फिर क्या मीडिया मजहबी लोगों को लपेटता है और फिर ये जाली आमिल की जगह पर जाली पीर लिख देते हैं अरे भाई पीर और आमिल में फ़र्क होता है हर पीर आमिल नहीं होता हर आमिल पीर नहीं होता आमिल अमलियात करने वाला तावीज़ात और ये इलाज वगैरह जो दीगर जो तावीज़ा और दम वगैरह के काम होते हैं तो हर आमिल पीर थोड़ी को होता है हर पीर आमिल नहीं होता पिर पीर कामिल होता है तो पीर जाली भी होता है इसी तरह आमिल भी जाली होता आमिल कामिल भी होता है आमिल अच्छा भी होता है तो जो बुरा है वो बुरा है जो अच्छा है वो अच्छा है हमें क्या हुआ कि हम इन जाली पीरों के हथे चढ़ जाते हैं और इस तरह की मतलब कि कितना मतलब कि एक दरिंदगी है यार और जिसने गले पर छुरी फिरवाई अगर मुसलमान था अल्लाह उसकी मफफरत फरमा मफफरत की दुआ करते हैं मगर यह अजीब वाक्य है मुझे अभी जस्ट पता चला सिलसिले में आने से पहले जस्ट पता चला है कैसा को वाक्य हुआ है आप इबरत लीजिए और दूर रहिए अमीलों से आप कट जाइए आपको लगेगा कि ये डराएगा धमकाएगा अल्लाह तबारक व ताला मदद करने वाला है अल्लाह तबारक व ताल बड़ा करीम है अल्लाह मेरा कादिर है, मुतलक है ये आपको उसके चुंगर से बचा देगा मेरा रब करीम आप उसकी पनाह लीजिए उसकी पनाह में आइए उसकी मदद लीजिए और कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई परेशानी आ जाती तो अल्लाह व ताला ने अपने कलाम पाक में ऐसी बरकत रखी है और दीगर औराद वज़ाइफ इस पर बरकतें हैं माशाल्लाह अल्लाह के से नेक बंदे हैं जो इस तरह अमलियात करके रूहानी इलाज करके बच, आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं दम करते हैं आयत पढ़ के कुछ इस तरह के वज़ाइफ पढ़ के माशा दावत इस्लामी का माहौल है दावत इस्लामी में भी अमलिया रूहानी इलाज और इस्तार और जो कुछ है किया जाता है एक रुपया नहीं लिया जाता ना हमारे इस्लामी भाई बेपर्दगी की तरफ़ जाते हैं ना इस्लामी बहनों को इजाज़त है कि इस्लामी भाइयों से अमलियात के लिए आएँ इनकी इस्लामी बहनों की फील्ड अलग है इस्लामी बहन इस्लामी बहनों को डील करती हैं इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों को डील करते हैं हम तो बेपर्दगी का भी दे पैसा एक रुपया नहीं लेते तो यूँ मतलब कि अगर जीने की ख्वाहिहश है तो कुछ पहचान पैदा करो दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब आ जाइए मदनी काफ़लों में सफ़र कीजिए इजमात में शिरकत कीजिए और आशिका ने रसुल की सोबत में आए रही है इनशाल्ला जीने का सलीका भी आएगा और जीने की ख्वाहिश तो कुछ पहचान पैदा कर इनशाला इस मदनी माहौल से पहचान भी नसीब होगी अल्लाह अमीर सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी को अता फ़रमाए हमें इन शर व फितनों से बचा कर रखे और हमें मदनी चैनल देखते रहने की तहफे अता फ़रमाए और इन दुखियारे उम्मत जो इस वक्त सैलाब और मुसीबत ज़दा और दीगर चीज़ों में परेशान हैं अल्लाह ताला इनकी भरपूर मदद करने की हम सबको तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन बिजाहिन नबी लमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद फअतबिरु या उलिल अबसार तर्जुमा ए कंसुल की बात तो इब्रत लो ए दिगाह वालों जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है है ये व्रत की है, तमाशा नहीं है